नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं मास के मध्य में, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर बात करते हैं। आज मैं आपके साथ सूर्य का 15 मार्च 2023 को मीन राशि में जो होने वाला परिवर्तन है तथा जो 15 अप्रैल 2023 2:58 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में कुछ अत्यधिक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ हैं, जैसे 31 मार्च से 30 अप्रैल में बृहस्पति अस्त रहेंगे, शुक्र जो है मेष राशि में रहेंगे 31 मार्च से, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ये वृष में चले जाएंगे, बुध 15 से 31 मार्च तक कुंभ में रहेंगे तथा 31 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन में रहेंगे। हर लग्न के बारे में बात कर रहे हैं, अब इन ग्रह स्थितियों का वृषभ लग्न के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका वृषभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 2 नंबर टॉरस अथवा वृषभ लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ई उ ए ओ वा वी वो वे वो। सूर्य वृषभ लग्न में चतुर्थ स्थान का स्वामी है, मन का, शांति का, नींद का, सुख का। ये जो है एकादश भाव में जा रहा है, अच्छी जगह पे जा रहा है, लाभ स्थान में जा रहा है, तो विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। परंतु आयुष और अष्टवेश बृहस्पति जो हैं ये अस्त होने जा रहे हैं 31 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में, 15 अप्रैल के बीच में, इससे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार में कभी कभार अशुभ संस्कारों के योग भी बन जाते हैं और थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति से जुड़ी अन्यथा कई प्रकार की लीगल समस्याओं का योग बन जाते हैं। बैक पेन या कब्ज की शिकायत इत्यादि से परेशानी हो जाती है, परंतु मोटे तौर पर ग्रह स्थिति शुभ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 6 अप्रैल तक ये अस्त गुरु जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। अब वृषभ लग्न पे क्या होने जा रहा है कि वृषभ लग्न के स्वामी स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें शुक्र है। शुक्र 6 अप्रैल तक द्वादश भाव में राहु के साथ शनि की दृष्टि में, तो ओवरऑल 6 अप्रैल तक नेगेटिव समय है। निर्बलता रहेगी, कमजोरी रहेगी, पेट का समस्या रहेगी, डायबिटिक लोगों को डायबिटिक समस्या रहेगी। अब थोड़ी बहुत चोट का योग शनि दृष्टि से पैरों इत्यादि में माथे पे बनता है, तो सावधान रहना होगा। दूसरा जो है वो ये है कि 31 मार्च को बुध जो है पंचम भाव में चले जाएंगे, तो डाइजेशन स्किन इत्यादि का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो महिलाएं प्रेगनेंसी इत्यादि से डील कर रही हैं उनको 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल में शिशु के, जो गर्भस्थ शिशु के संबंध में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति अस्त है तो ग्रोथ हुआ, बी कम्प्लेक्स आपकी बॉडी में हुआ, अन्य वाइटल जो आपके मिनरल्स इत्यादि हैं और जल की कमी, लिक्विड्स का, वो सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा गर्भवती महिलाओं का। जो लोग ड्रिंक इत्यादि से में फंसे रहते हैं उनके लिए 31 मार्च से 16 अप्रैल का समय खराब हो सकता है, उनको सावधान रहना होगा। 60 से ऊपर की आयु के जो लोग हैं उनको जेनेटिकल मैटर्स की वजह से थोड़ी सावधानी रखनी होगी, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की, डाइजेशन की, हियरिंग की और स्किन की, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी, तीनों का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें धर्म, शिक्षा तथा भाग्य। धर्म हेतु ग्रह स्थिति प्रबल है क्योंकि शनि अच्छे हैं बृहस्पति एकादश में, या यदि भी अस्त है तो भी आप जो है जैसे अस समय में कुछ नई पूजा आरंभ करना, कुछ नए धार्मिक काम करना वो नहीं हो पाएंगे। कोई भी शुभ संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश, निर्माण, ये कोई नहीं होगा 31 मार्च के उपरांत। और 6 अप्रैल तक जो है आपका वैसे भी पूजा पाठ में वैसे ही मन नहीं लगेगा क्योंकि शुक्र द्वादश स्थान में सुस्ती आराम का ज़्यादा दिल करेगा। 6 अप्रैल के बाद में आप अन्य कोई भी पूजा पाठ संस्कार इत्यादि करने में सक्षम नहीं होंगे, परंतु योग धर्म अध्यात्म उसके लिए अच्छा है। ध्यान में जाना, साधना में जाना, भगवान कृष्ण अथवा
दुर्गा का और गायत्री का जाप करना, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख के उपरांत जब गुरु अस्त होगा तो समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य पूरे 30 दिन अच्छा रहेगा, विशेष करके 30 मार्च तक ये भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको फायदे होंगे। 30 के बाद में बुध जब राशि बदल लेंगे तो थोड़े भाग्य की कमी कम हो जाएगी, परंतु शनि जो भाग्येश्वर कर्मेश दशम भाव में प्रबल चल रहे लगातार, और इनके प्रबल चलने से आपको हर समस्या का निदान मिल जाएगा। तो शनि एक क्रूर ग्रहण की दृष्टि 6 अप्रैल तक शुक्र पर पड़ रही है। अपने कर्म को, अपनी सौम्यता को, अपनी सोच को, अपनी शक्ति को बचा के रखना होगा तो भाग्य साथ देगा। बात करें शिक्षा के दृष्टिकोण से भी विदेश में मौके थोड़े से शुक्र में 12वें स्थान में होने से बाधाओं के उपरांत विदेश में शिक्षा हेतु हायर एजुकेशन अच्छा है। और 30 मार्च के उपरांत जो है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे मीडिया हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, और मैनेजमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, लॉ हुआ, कागज कपड़ा कंप्यूटर्स का क्षेत्र हुआ, टेक्नोलॉजी का, इनमें विदेश में जो है 6 तारीख समय अच्छा है, और देश में 6 के उपरांत सारा अच्छा है शिक्षा हेतु। नौकरी तथा व्यापार, जॉब में समय बहुत अच्छा है, पूरे समय बहुत अच्छा है। 6 तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आप मेहनत करेंगे 6 तक, उसके कारण 6 से 15 अप्रैल में आपको सफलता मिल जाएगी। 15 मार्च से और 31 मार्च तक कई बार ऐसे मौके मिलेंगे लगे आपका काम हो गया, सब हो रहा है, तो शुक्र के निर्बल होने से वो समस्याएं जो है आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि 6 अप्रैल के बाद मिलेंगे आपको। नौकरी में परिवर्तन हो या नौकरी चेंज करनी हो, कुछ भी करनी हो, सरकारी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए उत्तम है। बात करें व्यापार की तो 6 तारीख से पहले विदेश में व्यापार हेतु अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा सा खतरा है, हानि हो सकती है, चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, या अचानक आप व्यापार बंद के वापस आने का सोचते हैं। बात करते हैं व्यापार की तो उसमें 30 तारीख से पहले थोड़ा सा आपका व्यापार देश में ठीक है, तो आपको सावधानी से चलना होगा। नए व्यापार का आप सोच भी नहीं सकते हैं, पुराने व्यापार को ही चलना होगा। और 6 अप्रैल के उपरांत जैसे ही लग्न में शुक्र आते हैं, आपकी शक्ति, सोच, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज़ बेहतर हो जाता है, और व्यापार के लिए 6 अप्रैल से 15 अप्रैल का समय शुभ रहता है। परंतु आपको पैतृक यानी अपने पैतृक व्यापार से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट व्यापार यदि करेंगे उसके लिए समय शुभ रहेगा। धन तथा आर्थिक, धन की बात करें तो नौकरी की बात करें तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं, किसी न किसी अस्वास्थ्य के ऊपर, विदेश जाने के ऊपर, इधर इधर उधर घूमने के ऊपर, वाहन के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, अनऑर्गेनाइज खर्चे बहुत ज़्यादा हैं 6 अप्रैल तक, उनसे आपको बचना होगा। पैतृक संपत्ति की बिकवाली, पैतृक संपत्ति से सोना चांदी धन प्राप्ति, ये सारी चीज़ें 30 तारीख तक हो सकती हैं। 30 के उपरांत जो आप संपत्ति बेचने का सोच सकते हैं, खासकर 31 के बाद, तो शुक्र 6 अप्रैल तक निर्बल है, इसलिए जितना आप लाभ सोच रहे हैं उससे कम होगा, परंतु 6 के उपरांत जो है आपका लाभ थोड़ा सा बढ़ जाएगा 6 अप्रैल के उपरांत। तो 3-4 स्रोतों से आपको धन भी मिलता है, और नौकरी में आपको फ़ायदा तो हो ही रहा है, और 6 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा फायदा हो जाता है। व्यापार की बात करें तो एक्सपेंसिव व्यापार को लेकर इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में सट्टा, उसमें हानि हो जाना, रुके धन का फंस जाना, या अचानक नई इन्वेस्ट करने को मजबूर होना, ये सब कुछ चलेगा। यानी आय से आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, 6 अप्रैल के उपरांत एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे। आपके जो धनेश बुध हैं ये पूरे समय ठीक रहेंगे, परंतु आपको लीगली सावधान रहना है 31 मार्च के उपरांत, क्यों, जिससे कि आपको कहीं पे कोई पेनल्टीज में ना देना पड़े, इंश्योरेंस में ना देना पड़े, वाहन की दुर्घटना इत्यादि, इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, वो भी विशेषकर 6 तारीख से पहले, 6 के उपरांत वो सारा समय ठीक है। आर्थिक मामलों में ग्रोथ की बात करें तो जॉब में ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी है, ज़रूर आपके ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि मनोवांछित या
अच्छी जगह पे चेंज होना नौकरी का वो हो जाएगा। और व्यापार में ग्रोथ जो है आपकी 6 अप्रैल के बाद बेहतर है, 6 तक जो है कोई ग्रोथ की संभावना नहीं है। रिश्ते प्रेम तथा विवाह, देखिए शुक्र जो द्वादश भाव में उसके कारण जो है आपको थोड़ा सा प्रेम संबंधों में धोखा लगने का योग बना हुआ है, राहु शुक्र जो द्वादश में उसके कारण। और 30 के उपरांत क्योंकि तारा डूब रहा है, 31 तारीख के बाद तो विवाह संस्कार इत्यादि सब रुक जाएंगे, तो आप बातचीत कर सकते हैं कुंडली मिला के यस या नो कर सकते हैं, परंतु कोई भी संस्कार 30 के उपरांत विवाह शादी को लेके 6 अप्रैल के बाद बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए वो आप उसके 31 अप्रैल के बाद ही कर पाएंगे। इसलिए इसमें बातचीत निश्चित हो सकती है, वो भी 6 के बाद थोड़ी सी अच्छी संभावना रहेगी। 6 से पहले प्रेम संबंधों में भी और रिश्ते होने में भी धोखे का ही हो गया। 6 अप्रैल से पहले जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, उसके ऊपर खर्चे हो सकते हैं वो चिंता रहेगी। रिश्ते आपके व्यापार और नौकरी दोनों जगह में अच्छे रहेंगे। सिर्फ जो है व्यापार में आप नॉन कॉन्फिडेंट से रह सकते हैं 6 तारीख तक, तो आप इंट्रोवर्ट से रहेंगे, परंतु रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। उपाय क्या करें, देखिए आप 22 से 30 मार्च के बीच में नवरात्र में सारे पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। 31 के बाद में तारा डूब जाएगा, इसलिए आप कोई भी नए पूजा पाठ नहीं आरंभ कर सकते। नवरात्र में ही 22 से 30 मार्च में जो आप रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं, हीरा पन्ना अथवा ये डायमंड, ये आप तीनों रत्न धारण कर सकते हैं इस लग्न के लिए 30 से पहले, उसके बाद में बिल्कुल नहीं है। आप लगातार जो है नवरात्र से शुरू करके भगवान शुक्र बुध इत्यादि के जो मंत्र हैं, ओम नमः भक्ते वासुदेवाय, ओम ब्राह्मरी भरोसा बुधाए नमः, हनुमान चालीसा, अथवा राहु के लिए और शुक्र के लिए चीनी नारियल, और बृहस्पति के लिए देसी घी चने की दाल और गेहूं इत्यादि तथा गुड़, मंगल के लिए इनका दान आप लगातार जो है कर सकते हैं 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, विशेष करके 31 मार्च से 15 अप्रैल में दान लगातार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।